दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फ्री फायर गेम को कैसे अपडेट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप फ्री फायर गेम खेलते हैं तो बार बार आपके सामने उसका अपडेट आ जाता है, तो उसे आपको कैसे अपडेट कर लेना, क्योंकि अपडेट बहुत आते हैं फ्री फायर के, क्योंकि पबजी दोस्तों बंद हो चुका है, तो इसलिए फ्री फायर वाला भी बहुत अच्छे अच्छे अपडेट लेके आ रहा है, क्योंकि वो भी सोचता है कि हमारे जो व्यूअर हैं वो ज़रा उधर न जाके हमारे पास ही रहें, क्योंकि आज का समय भाई कंपटीशन का है, तो कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी बंदा है, कोई भी कंपनी है, बेहतर करने की सोच रही है और बेहतर करेगी तभी तो उससे लोग जुड़ेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं यही बताने वाला हूँ कि फ्री फायर गेम को आपको कैसे अपडेट कर लेना है। बिल्कुल इजीली तरीका है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और जान लीजिए मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूं, तो कमाल की वीडियो यहां पे आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता ही देते हैं किस तरीके से आपको फ्री फायर गेम को अपडेट कर लेना होगा। दोस्तों आप फ्री फायर में सीधा जाते हैं तो वहां से अपडेट नहीं करना है आपको, मैं आपको बताऊंगा एकदम ऑफिशियली तरीके से कैसे अपडेट कर लेना होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले यहां पे आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे यहां पे आपको सर्च करना है फ्री फायर, ठीक है। यहां पे फ्री फायर आपको सर्च करोगे तो जैसा कि यहां पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, यहां पे आप सीधा कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे क्लिक किया तो यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हो तो यहां पे एक ऑप्शन आता है नीचे, जैसे कि यहां पे आता है वाईफाई और ऊपर आता है डाटा चेंज। तो आप दोस्तों अगर वाईफाई से इसे अपडेट करना चाहते हैं तो वाईफाई पे क्लिक करके अपडेट कर लेना होगा। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो मोबाइल वाले डाटा से मोबाइल वाले डाटा पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहां क्लिक करोगे इस तरीके से हमने क्लिक कर दिया, यहां पे जैसे ये ऑटोमेटिक होने लगेगा, ठीक है, यहां पे होने लगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये देखो होने लगा है, ठीक है, इसे हम कट कर देते हैं एक तरीका अब आपको बताता हूँ अगर नहीं हो रहा है तो आपका, ठीक है। तो सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ पे सीधा चले जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में सीधा जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना होगा, यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट ढूंढ लेना होगा, ठीक है, किसी में ऐप मिलता है किसी में ऐप मैनेजमेंट, तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या कर लेना होगा, सिंपल से आपको फ्री फायर देख लेना होगा। फ्री फायर ये देखो रहा, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्री फायर को सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप कर देना, जैसे हमने फोर्स स्टॉप कर दिया, यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो इसका जो चेस है वो क्लियर कर देना, डाटा नहीं करना, केवल चेस करने हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना होगा। यहाँ पे आपको आपको डाटा यूज़ पे क्लिक कर देना, जैसे आप डाटा यूज़ पे क्लिक करोगे ये दोनों ऑप्शन डिसेबल होने चाहिए, ये ऑन होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी पे क्लिक करेंगे तो बैटरी वाला ऑप्शन सबसे ऊपर वाला ये आपका चालू होना चाहिए, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। इस तरीके से आ जाते हैं आपको परमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये तीनों परमिशन आपको अलाउ कर देनी होंगी, ठीक है। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से बाहर निकलना, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर आ चुका है, यहाँ पे आपको उसे फोर्स स्टॉप कर देना होगा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर को इस तरीके से फोर्स स्टॉप कर देना। स्टोरेज यूज पे इस पर क्लिक कर देना होगा, सबसे नंबर एक की सेटिंग यही होती है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लियर चेस कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको क्लियर डाटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप क्लियर डाटा भी आपको कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर दिया क्लियर डाटा, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया क्लियर डाटा। यहाँ पे आपको मेन यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करेंगे, सेम वही आपको यहाँ पे परमिशन दे देनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे परमिशन दे दी है तो आपको भी इस तरीके से परमिशन दे देनी होगी। परमिशन देने के बाद दोस्तों आप जैसे ही आप यहाँ पे आपको सीधा आप बाहर निकल आना होगा, जैसे ही आप बाहर निकलोगे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकलोगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इस तरीके से प्रॉपर देख लेना है आपका जो नेट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि आपका नेट खत्म तो नहीं हो गया है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ चेक कर लेना होगा। जैसे ही आप चेक करोगे सीधा सिंपल तरीके से आपको सीधा कहाँ जाना है, अब आपको सीधा आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर को इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे प्ले स्टोर आपका थोड़ी देर में ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्ले स्टोर का जो चेस का डाटा है, क्लियर डाटा है, उसे कर दिया गया क्लियर, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हैंग कर सकता है आपका फ़ोन, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से ये एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर हमने सर्च किया, यहाँ पे आपको फ्री फायर सर्च कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया फ्री फायर, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत देर यहाँ पे वेट कर लेना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आप प्ले स्टोर है वहाँ पे ये क्लियर हो जाता है डाटा, उसका एडजस्टमेंट होने में समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आ जाते हैं, तो यहाँ पे लगभग 400-500 MB का अपडेट है, तो ये
MB जो है आपके फ़ोन में पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है। आपके फ़ोन में होंगी तभी ये आप कर पाओगे। दोस्तों हम अपडेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको मोबाइल डाटा पे कर रहे हो तो मोबाइल पे और वाईफाई से कर रहे हो तो वाईफाई पे क्लिक कर देना। जैसे मोबाइल डाटा से हम कर रहे हैं तो ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेंडिंग होगा, थोड़ी देर में ये होने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपको फ़ोन में इस तरीके से ये फ्री फायर जो है यहाँ पे ग्रेनिया लिखा है, इस तरीके से ये फ्री फायर आपका अपडेट होने लगेगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे यहाँ पे फ़ोन में का है मोबाइल का डाटा जो है वो कम है, तो यहाँ पे हम इतना ही करते हैं, आपको सीध जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बता दिया क्योंकि कमेंट बहुत आ रही थी, आप लोग बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो फ्री फायर है इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।